तो जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, काफी सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और काफी सारे आते रहते हैं कि भैया MT15 पर कुछ नया अपडेट करो, बहुत कुछ कर चुका हूँ और बहुत कुछ ज्यादा हो चुका है, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब पर MT15 की वीडियो डाल डाल के मैंने भर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ नया आ जाता है। तो यहाँ पर एक अपने पास बाइक आ रखी है यामा MT15 सियान ब्लू कलर के साथ, इसमें A to Z 1 to 12 सब कुछ मॉड्स होने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे सारी एक्सेसरीज मैंने निकाल रखी है, ये पूरे विस्तार से बात करेंगे इसमें आपको लगाने से पहले और लगाने के बाद भी। आप पहले बाइक देख लो, PPF इसमें शुरू हो चुकी है होना। इसके अलावा जो PPF में पार्ट्स कवर होते हैं वो छोटे से लेके बड़े से बड़े पार्ट्स सारे कवर करते हैं, जिसपे PPF रुक सकती है जहाँ जहाँ पॉसिबल है। जैसे कि ये वाले सीट हैंडल्स हो गए, आपके टैंक्स वगैरह हो गए, और जो इसका हेडलाइट है वो भी। इसके अलावा कुछ एक्सेसरीज यहाँ पर निकाल रखी है तो वो भी आपको दिखाता हूँ। इसमें A to Z सब कुछ लगाने वाले हैं, चाहे वो आपका एग्जॉस्ट हो, एग्जॉस्ट तो वैसे काफ़ी सारे वहाँ पर लगे हुए हैं, काफ़ी सारे और भी आपको ट्राई कराने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें इस बार ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे हम बैंड पाइप लवडो। तो ये आ गया गाइस इसका बैंड पाइप, और बैंड पाइप इसमें काफ़ी सारे तरीके के आते हैं। ये पूरा जड़ से लगेगा ताकि आपके इंजन पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट ना पड़े और किसी भी तरीके का इशू ना आए आपकी बाइक की गारंटी पर, वारंटी पर, और साउंड भी काफ़ी जबरदस्त है। बैंड पाइप के अलावा अगली चीज़ हमारे पास क्रैश गार्ड। तो क्रैश गार्ड का क्या सीन होता है, क्रैश गार्ड में काफ़ी सारी वैरायटी आती है, बट ये वाला क्रैश गार्ड हमने स्पेशली बनवा रखा है और इसका वेट भी कम से कम 5-7 किलो होगा। और आप इस बात से आईडी लगा सकते हो, ये देखो गाइस बहुत ही हैवी डबल स्लाइडर मिलेगा आपको, एक साइड में 1, 2, 3, 4 स्लाइडर मिलेंगे। इसको लगाने के बाद अगर आप अपनी बाइक चलते हुए भी छोड़ दोगे ना, तब भी कुछ नहीं डैमेज आने वाला है। इसमें कलर मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा। अगली चीज़ दिखाने वाले हैं लीवर गार्ड। तो लीवर गार्ड भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो लीवर गार्ड के अपने पास कुछ इस तरीके के लुक मिल जाएंगे, सारा टच गोल्डन का दे रहे हैं। ये लगेंगे आपके इस जगह पर, इन केस कभी गलती से ही बाइक गिरता है तो आपके क्लच और लीवर्स वगैरह डैमेज नहीं होते हैं, और ये प्रॉपर CNC में होते हैं, प्लास्टिक के नहीं होते हैं। अगली चीज़ जिस तरीके से लीवर गार्ड आपने देखा, लीवर भी दिखाया था मैं आपको, तो लीवर भी दिखाना एक बार। लीवर में मेरे पास काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, जिसमें आप दो कलर देख सकते हो, कि ये अपना आ गया गोल्डन वाला, एक मैं आपको दिखाता हूँ रेड वाला। ये है फुल्ली एडजस्टेबल, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको एडजस्ट करके। मान लो आपने बाइक में लगा रखे और आपने लीवर गार्ड भी लगा रखी, बाइक गिर गई तो ये ऐसा करके फोल्ड हो जाती है। कुछ लोगों की फिंगर शॉर्ट है, लॉन्ग है, यहाँ स्विच कर सकते हो, यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हो, तो काफ़ी एडजस्टेबल। और चीज़ देखो यार क्या तो फिनिशिंग है। तो ये हो गए आपके लीवर और लीवर गार्ड आपने देख लिए। अगली चीज़ जो है वो है शार्क पिन मडगार्ड। अब शार्क पिन मडगार्ड का क्या सीन है ये चेक करो, ये आ गया शार्क पिन मडगार्ड, इसको बोलते हैं। इसमें भी कलर काफ़ी सारे मिल जाते हैं, ये लगेगा आपका इस जगह पर अंदर की तरफ, ताकि मिट्टी वगैरह जो है वो होल्ड हो जाए और अंदर ना जाए। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मिट्टी है, मोनोशॉक पूरा बर्बाद हो जाता है भाई, साफ करते करते बंदा थक जाता है। तो इसलिए शार्क पिन मडगार्ड, रियर फेंडर मडगार्ड आप लगवा सकते हो। वाइजर भी दिखाता हूँ मैं आपको, तो वाइजर कलर मिल जाएगा बैक साइड में देख सकते हो। लेकिन एक मेरे पास यहाँ पर बुलबुल का बच्चा है वाइट कलर का, तो ये देखते हैं बाकी जो कलर सेट होगा वो करेंगे। प्रॉपर मेटल में आपको मिल जाएगी फॉर यामा MT15 की फिटिंग के साथ। नेक्स्ट चीज़ मास्टर सिलेंडर दिखा रहा हूँ मैं, डिब्बियाँ चल रही हैं आजकल, लोग स्ट्रिंग डाल के और काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है लोग मज़े ले रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रिंग नहीं डालेंगे, हम इसमें ऑयल ही डालेंगे, साथ में लाइट लगाएंगे ताकि किसी भी तरीके का इशू ना, क्योंकि स्ट्रिंग काफ़ी टाइम बाद खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो वो चीज़ें बेकार है। इंस्टाग्राम के चक्कर में आप मत पड़ो, प्रॉपर चीज़ें लगाओ, क्योंकि कुछ इस तरीके की आते हैं। तो ये दो मास्टर डिब्बियाँ लगेंगी, आप चाहो तो पूरे पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम भी लगा सकते हो, इसकी पूरी फिटिंग होती है, ये चेक कर सकते हो आप। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा अगली चीज़, फोर्क प्रोटेक्शन और फोर्क स्लाइडर, जो आपके सस्पेंशन पे लगता है आगे की साइड में, जो आपने देखा होगा वुमन। तो ये इस तरीके के फोर्क प्रोटेक्शन आते हैं, सेट आता है एक लेफ्ट एंड राइट साइड का, और इसी तरीके से फोर्क स्लाइडर आते हैं। ये दोनों बनाने के लगाने के बाद आपका एक कॉम्बो बनता है सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए। कलर इसमें हरे, पीले, नीले, गुलाबी, कत्थे, जो आप चाहो ले लेना, लेकिन हम गोल्डन इसलिए लगाएंगे क्योंकि सस्पेंशन गोल्डन थे तो मैच होना चाहिए, कहीं से ऐसा ना लगे कि बस कुछ भी कहीं से लगा दिया, तो वो चीज़ है। रेडिएटर काफ़ी सेंसिटिव पार्ट है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल लगा रहे हैं जो कि मैट में रहेगा। और अगली चीज़ जो है वो है हमारे पास इसके जाली कवर, और हैजार्ड भी दिखा दो एक बार। तो ये आ गया सिमटेक का हैजार्ड, इसमें आपको 1.5 साल की गारंटी विद गारंटी कार्ड आपको मिलेगा। कभी भी फ्यूचर में ख़राब होता है तो आप नया ले जा सकते हो, इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं, बस ये कार्ड लाना पड़ेगा आपको, और कार्ड ही चाहिए, फ़ोटो से काम नहीं चलेगा। ये आ गया जाली कवर, ये जिसके फ्रंट का लुक है उसको चेंज कर देते हैं, ये दिखाऊंगा कहाँ पर लगेंगे, वैसे आप समझ चुके होंगे, इसमें भी काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। ये है आपका जो हेडलाइट है उसका आइस हजार्ड, तो ये भी लगाने वाले हैं, इससे आंखों के डिज़ाइन चेंज होंगे, डिज़ाइन कभी ये वाला कभी ये वाला जलेगा कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से काफ़ी सारी एक्सेसरीज और भी हैं यार, अभी देख सकते हो इसका एग्जॉस्ट खोल रखा है, बैंड पाइप लगाएंगे, फिर मैं आपको एग्जॉस्ट का साउंड ट्राई कराऊंगा। अभी सारा सामान की सारी वस्तुएं पहले ऐड कर लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा बीच में, फिर आपको दिखाऊंगा फाइनल पे। चेक कर सकते हो मास्टर सिलेंडर लग चुके हैं, और इसमें लाइट भी लग गई है, ऑयल भी डल चुका है, और ये देख सकते हो आप। एक बार ऑयल का डब्बा दिखाना मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें ऑयल का डब्बा दिखाना एक बार। तो ज़्यादातर क्या है वो स्टिंग डालते हैं भाई, हम जो जेनुइन ऑयल डलता है ना वो डाल देते हैं सीधे, तो ये है क्योंकि वो ख़राब हो जाती है एक टैंक के बाद, फिर बेकार हो जाता सब कुछ। तो ये आ गया। इसके अलावा इसमें लीवर गार्ड लग चुके हैं, लीवर लग चुके हैं, और फ्रंट का भी लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है।
आइस के अंदर भी डिजाइनिंग हो चुकी है, रिंग लग चुका है, फोर प्रोडक्शन फोर स्लाइडर। इसी तरीके से एक यहाँ पर एमटी और है, इसमें भी काफी अलग काम हो रहा है। एक यहाँ पर जो है कुछ और आगे फोर प्रोडक्शन लग चुकी है और पीपीएफ लेमिनेशन, ठीक है जी, तो ये भी है। और की का कवर भी इसमें लगाया है हमने एमटी 15 वाला। और इसी तरीके से इसमें और भी काफ़ी सारे काम है, तो इसे कंप्लीट करते हैं। और इसका भी जो है लगभग टचअप कंप्लीट ही है, थोड़ा सा रह गया है, इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखा देता हूँ मैं फाइनल लुक। और ये है इसका भी साइड एंगल का लुक, ये लो जी। काफ़ी सारे एग्जॉस्ट निकाल रखे हैं, बैंड पर लग चुका है, सिक्स कट लगा दिया, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मिरर हो गए, लीवर हो गए, क्रैश गार्ड हो गया, फोर प्रोटेक्शन फोर स्लाइडर, पीपीएफ लेमिनेशन। करते हैं स्टार्ट, चलो जी सिक्स कट का साउंड सुनाओ पहले। हाँ यही, चलो डाउन ऐसी प्रोडक्ट लगाओ। ये हो गया आपका ल्यूमेंस, अब लगा रहे हैं SC प्रोजेक्ट। चलो उठाओ अगले वाला, उठाओ रेम उठा लो, कोई उठा लो। चलो करो स्टार्ट। आगे वाला, आगे वाला ये उठाओ, तो ये हो गया गाइस एक्रोपॉपिक बेसिक। इसका सुनते हैं साउंड कैसा। ये आ गया R1M, इसका सुनते हैं साउंड कैसा। M4 वाला तो अभी इसमें एग्जॉस्ट जो फाइनल रहेगा फाइनल पे दिखाऊंगा, बाकी इसमें बैकलाइट भी चेंज हो चुकी है, टॉप रैक लग चुका है, तो सारी चीजें फिट करके और फिर आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट। तो गाइस वाली एमटी में जितनी मैंने आपको एक सीरीज दिखाई थी शुरू में वो सारी इसमें ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद आपको इस वाली ब्लैक ब्यूटी के भी दर्शन कराऊंगा और लास्ट में इसमें भी कराऊंगा, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें अलग हैं, इसमें विंग्स लाइट वगैरह भी लगा रहे हैं, तो एक एक करके बात करेंगे। तो पहले अब्बल 1 2 3, नंबर 1 2 3, तो पहले ये वाले की जिक्र करते हैं, इसमें क्या क्या चीज है चेक करो। पहले फ्रंट में मेटल वाला वाइजर इसमें लगाया और दिखाया, तो मैंने आपको व्हाइट कलर का था, वो एक आइडिया के लिए था, क्योंकि आप लोग जरूरी नहीं है कि व्हाइट ही आपको लगवाना है, तो आप इसमें इस तरीके का भी काम करा सकते हो, प्रॉपर एमटी 15 का ही है ये, हो गया जी। इसके अलावा इसमें आप डिजाइनिंग देख लो, आप आइस की डिजाइनिंग और साथ ही में इसमें हैजार्ड की तरह भी ये वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्विच लगा रखा है, ये वाला देखो छोटा सा है। अब इसके आप मोड्स को फास्ट कर सकते हो या फिर इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, तो ऐसे इसी तरीके से वर्क करेगा। हम इस बार इसका मोड चेंज कर देते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे आपको मोड्स मिल जाते हैं, ये देखो, तो डिजाइनिंग भी हो गई प्लस इसमें ये ब्लिंकर की तरह ही वर्क कर रहा है, हैजार्ड की तरह भी कह सकते हो। रिंग लगा रखा है हमने रेड कलर का, इसमें ग्रीन मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा, और ब्लैक तो आता ही नहीं है। यहाँ पर देख लो रेडिएटर ग्रिल हो गई,
रेडिएटर की सेफ्टी के लिए रेडिएटर ग्रिल लगाइए। काफ़ी ज़रूरी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेफ्टी वाली भी है और खूबसूरती वाली भी है। फोर्क प्रोडक्शन हो गए, फोर्क स्लाइडर हो गए, और फोर्क प्रोडक्शन ये वाला पार्ट होता है फ्लैट वाला सस्पेंशन की प्रोडक्शन के लिए, जो कि डिजाइनिंग से पता चल रहा है। ये गोल्डन, ये वाला गोल्डन, ये वाला गोल्डन पूरा मैच हो गया है। इसी तरीके से ये फोर्क स्लाइडर आ गए, इसको लगाने से आपके सस्पेंशन डिस्प्लेट मडगार्ड ऑल अबाउट सेफ। इसके अलावा यहाँ पर जाली कवर आ गए गोल्डन कलर के, ठीक है जी। इसी तरीके से हैंडल बार पर आप देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ लगाई है। वैसे तो अपने पास हाइड्रोलिक का पूरा सेटअप भी है, लेकिन इसमें सिर्फ कंटेनर लगा रखे, यानी बॉक्स लगा रखे विद एलईडी लाइट के साथ, और अंदर स्टिंग नहीं लगाई हमने, सिर्फ इसमें लगाया हमने प्रॉपर ऑयल जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, क्योंकि रात में बहुत ही ज़्यादा इसका ज़बरदस्त लुक आने वाला है। एक हैंडल बार की जो पूरी लुक है वो पूरी चेंज हो जाती है। वैसे तो काफ़ी सारी इसमें लुक बन चुकी है, इसमें मिरर देख सकते हो, लीवर देख सकते हो, लीवर गार्ड देख सकते हो। तो जो लीवर लगाए हैं वो आप देख लो फोल्डिंग वाले हैं, मैंने आपको शुरू में दिखाया था। यहाँ से भी इसको लॉन्ग कर सकते हो, यहाँ से भी इसको फोल्ड कर सकते हो, और यहाँ से भी कुछ लोगों की फिंगर शॉर्ट है लॉन्ग है तो वो इससे एडजस्ट कर सकते हैं। और कभी बाइक गिरी तो ये आपके लीवर भी टूटेंगे, क्योंकि यहाँ पर लीवर गार्ड लगा रखे हैं। CNC वाले यहाँ पर लगा रखे हैं हैवी वाले मिरर नाइट विजन के साथ, डायरेक्ट सनलाइट आंखों में नहीं लगेगी, पीछे से किसी गाड़ी की हेडलाइट नहीं लगेगी, और कोई इसमें देख के बाल भी निकालेगा क्योंकि सब काले नजर आएंगे इसमें। तो ये वो चीज़ भी नहीं है, सिंपल ही चीज़ है और काफ़ी यूनिक है, प्रॉपर CNC मेटल में हो गया। हैंडल बार पर दोबारा आप आते हो तो यहाँ पर आपको मीटर का डैम्पर देखने को मिलता है, और ये लुक आएगा अगर आप इसको मॉडिफाइड कराते हो। देखो कितना क्लीन लुक आ रहा है। क्रैश गार्ड देख लो, वैसे तो काफ़ी सारे क्रैश गार्ड अपने पास मिल जाएंगे, लेकिन ये हैवी वाला बनवा रखा है स्पेशली, आपके रेडिएटर तक सेव करता है ये। इंजन सेफ, टैंक सेफ, लैग सेफ, साथ में रेडिएटर सेफ, डबल स्लाइडर, कभी स्लाइडर घिसते हैं तो नए मिल जाते हैं। कलर इसमें मिल जाएगा ग्रे, मिल जाएगा रेड और ब्लैक, आप देख पा रहे हो। फुल सिस्टम लगा रखा है इसमें एग्रोपब्लिक का, जो कि डीबी कलर विदाउट डीबी कलर के साथ आपको मिल जाता है। फिलहाल इसका डीबी कलर निकाल रखा है मैंने, काफ़ी सारे एग्जॉस्ट आपको और भी ट्राई कराए थे, तो इसका भी साउंड ट्राई कराया था हैंड टू हैंड। PPF लेमिनेशन भी चेक कर लो एक बार, ये वाला पार्ट टैंक हो गया आपका, ये वाला पार्ट हो गया, सीट हैंडल्स हो गए, आगे का मडगार्ड हो गया, तो ये सारे पार्ट्स PPF में कवर किए जाते हैं जिससे स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगते हैं। और यहाँ पर आपको लोगों को पता है इसकी सीट छोटी आती है, तो उसी तरीके से इसमें हमने एक टॉप रैक लगाया है। अब आप लोगों को टॉप बॉक्स लगाना है कुछ इस तरीके का, तो ये भी मिल जाएंगे अपने पास सभी बाइक्स के। और बाकी जिन लोगों को सामान नॉर्मली बांधना है तो बांध सकते हैं। बैक साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर आगे इसकी पूरी बैक लाइट चेंज कर रखी है, जिसमें आपको अलग अलग कलर देखने को मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली, और साथ ही में अगर आप इंडिकेटर देते हो तो इंडिकेटर पे भी वर्क करता है। इस साइड का दे देते हैं। और यहाँ पर हमने लगा रखा है शार्क पिन मडगार्ड, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह अंदर जाती है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए रहता है। तो ऑल अबाउट जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा किलिंग आ रही है, आप चेक कर सकते हो। ये तो हो गई आप लोगों की एक यामा M15 फोर्स सियान ब्लू कलर के साथ, ये सियान ब्लू कलर हो गया। एक ब्लैक ब्यूटी यहाँ पर तैयार हो रही है, इसको तैयार कर लेता हूँ, फिर उसके पिछली वाली तैयार करके वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका तो हो गया काम संपन्न। सर लुक चेक कर लो इस वाली क्रैश गार्ड का, देखो अभी इसमें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चालू ही है, और इसमें डबल स्लाइडर लगेंगे एक इस साइड, और इसको लगाने से आपका रेडिएटर तक यहाँ तक मतलब कवर अप करता है पूरे का पूरा यार पार्ट। और बाकी ये है इसका लुक। अभी इस पर ये पन्नी वगैरह हट जाएगी तो अंदर से प्रॉपर ब्लैक है, इसमें मैंने आपको बता चुका हूँ सिल्वर भी मिल जाएगा, रेड भी मिल जाएगा, ब्लैक है बाइक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। विंगलेट इसमें लग चुकी है, यहाँ पर जाली कवर लग चुके हैं, और यहाँ पर फोर प्रोडक्शन एंड फोर स्लाइडर रेडिएटर ग्रिल भी लग चुकी है गाइस। इसी तरीके से बैक साइड में आपने देखा होगा हेलमेट पे स्पाइक्स लगते हैं, तो ये बैक साइड में लगा दिया है कुछ इस तरीके से। और ये है इसका, चेक कर सकते हो लुक, मोबाइल होल्डर इसमें लगा हुआ है। और इस वाली की मैं आपको सिनेमैटिक चेक करा दूंगा, इसमें विंग्स लाइट वगैरह जो भी लगेगा। तो ये आ गया इसका लुक। No time, feel the pain, live the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean. हो गाइस, तो मेरे सामने खड़ी है यहाँ M50 रेडी हो गई है। आज इसमें दिखा सकते हैं, अब इसमें विंग्स वाली लाइट लगाई है, फिटिंग देख लो इसकी प्रॉपर वाली है। और चेकआउट करते हैं, सारी लाइट ऑफ कर दो भाई, देखो सारी लाइट ऑफ हो गई। ये देखो क्या भाई लुक आ रही है, देख सकते हैं ये देखो दूर से, ये देखो भाई एक एक चीज़ देख लो भाई, ये देखो अभी पूरी सही से प्रॉपर लाइट बन नहीं करी है, ये देखो। और इसमें साथ में ये लगा रखा है टॉप रैक पीछे के, देख लो इसमें, देख सकते हैं प्रॉपर फिटिंग है इसमें, ये देखें। और इसमें हाई सजाट भी लगाया है इसमें, इसका ये रहा स्विच, ऐसे जला के दिखा देता हूँ करके, ये देखो जैसे जैसे बटन दबाओगे इसमें डिजाइन चेंज होगा इसके आग का, ये देखो। ये देखो देख सकते हो, ये देखो क्या डिजाइन है भाई, रात के समय तो भाई अलग ही दिखेगी अपनी दोनों। ये देखो इसमें वाइजर भी लगाया है M50 का,
ये देखो, और बाकी इसकी और वीडियो देखनी है फुल अपने चैनल पे देख सकते हैं।